चल रहे हैं राजस्थानी फाफड़ा बनाने के लिए बेसन का। तो कैसे बनाया जाता है दोस्तों, हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जितनी माता दी हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। संध्या का किचन बिल्कुल आप लोग भूल गए हैं देखना, जो भी हमारे चैनल में वीडियो बनाते समय हमसे गलती हो रही है उससे हम क्षमा मांगते हैं आप लोग से। अब वीडियो में कमेंट में जरूर बताइए क्या हमसे गलती हो रही है। पहले आप लोग हमारा वीडियो देखना बिल्कुल भूल गए, इस समय वीडियो को बिल्कुल हमारी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ के आप लोग से बार बार निवेदन करते हैं कि जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके इसी तरह रेसिपी आप लोग को मिलते रहे। चलिए आज अपने किचन में हम बनाएंगे फाफड़ा। बेसन फाफड़ा कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाफड़े बनाने के लिए हमने देख रहे हैं बेसन ले लिए हैं, चना के बेसन लिए हैं। तो बेसन बिल्कुल बारी वाला लेना है, मोटे दाना वाला बेसन बिल्कुल नहीं आपको लेना है। मोटे वाला दाना जो बेसन रहता है थोड़ा सा, तो उससे फाफड़ा अच्छा नहीं बनता है। तो इससे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास पापड़ खार हो तो आप ले सकते हैं, तो हमारे पास नहीं है, तो बिल्कुल हम सिंपल तरीके से घर के सामान से बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन हमने एक चम्मच पूरे भर के लिए हैं, तो अजवाइन को हाथ से मसल को हम इसमें रख लिए थे। उसके बाद डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला से फाफड़े जो हमारा बहुत काफ़ी चटपटे बनता है। इसमें आप डालना चाहते हैं तो एक चम्मच मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि मिर्ची पाउडर हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे हींग जरूरी रहता है डालने के लिए इसमें, तो हींग यहाँ पे देखिए हम ले लिए हैं, तो हींग को भी डाल दे रहे हैं। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। आप इसमें डालना चाहते हैं तो मसाला भी आधे चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि मसाला नहीं डालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम बना रहे हैं, बहुत काफ़ी टेस्टी बनता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक को, नमक अपने स्वाद के अनुसार से इसमें हम डालेंगे। अब नमक को बेसन में डालकर अच्छे से सारे चीज को मिला लेंगे। तो अच्छे से देखिए यहाँ पे हमने मिला लिया है। तो फाफड़े के साथ में आप चटनी भी बना सकते हैं, बाकी फाफड़े आज सिंपल तरीके से बना के आप लोग को दिखा रहे हैं, आसान तरीका है। आज महीने भर फाफड़े आप आराम से रखकर चाय के साथ में खा सकते हैं, चटनी के साथ में खा सकते हैं। जब भी आपका मन करता है कुछ खाने के लिए चटपटे, तो इसको बना के रख दीजिए, इसी तरह खाते रहिए आप। तो बरसात के मौसम में ज़्यादा करके देखते हैं घर में नमकीन वमकीन खत्म हो जाती है, नहीं रहती हैं, तो इस तरह से आप बना के रख देंगे स्टोर करके इसको, तो ये बिगड़ता नहीं है, बहुत काफ़ी टेस्टी भी बनता है। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 चम्मच तेल। यहाँ पर देखिए 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं, 3 चम्मच तेल इसमें हम डाल दिए, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल को हम। तो देख रहे हैं इसमें अच्छे से हम मिला लिए हैं सारी चीज को। तो देखिए इस तरह से मोइन जब दे देते हैं एक बार, ऐसे होता है बेसन हमारा। अब बेसन को अच्छे से मिला लिए हैं। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार करेंगे, जैसे रोटी का डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट इसका डो चाहिए हमको। एक साथ में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी पानी डालना है आपको। ये पानी बहुत कम बेसन हमारा सोखता है। अब इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे हम, इसी तरह से इसका डो अब तैयार कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि इसमें हम इस तरह से मसल मसल के इसका डो को बिल्कुल चिकना करेंगे। अब पानी देखिए यहाँ पे 1 कप पानी लिए थे हम पहले, तो सारा पानी यहाँ पे देख रहे हैं बच गया है। तो इसमें से बिल्कुल देख रहे हैं जैसे कि 100 ग्राम पानी हमारा लगा है इसमें। तो बेसन जैसे देखते हैं बहुत कम पानी सोखता है, सूजी जैसे रहता है, चावल के आटे रहता है, ये सब बहुत ज्यादा पानी सोखते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका डो तैयार हो गया, तो देख सकते हैं कितने टाइट डो हमने तैयार किया है यहाँ पे। अब इसके बाद चल रहे गैस को जलाएंगे, गैस को जला के हम कढ़ाई रख देंगे इस पे। कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे रिफाइंड तेल, आप सरसों के भी तेल में बना सकते हैं इसको। आज हम आप लोग को 2 किताब के फाफड़े बना के दिखाएंगे। जैसे देख रहे हैं कि एक इस तरह से आप ले रहे हैं गोले को,
तो जैसे बड़े छोटे आप बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। एक देख रहे हैं कि यहां पर हमने इसको ले लिए हैं, हथेली को लेंगे। इसके बाद देखिए पापड़े को हम इस तरह से इसको हम इस तरह से फैला देंगे हाथ हथेली से। एक बार में इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए हमारा फाफड़ा बन रहा है। अब इसको चाकू ले लीजिए, चाकू के सहारे हो। तो दोस्तों एक देखिए बेलन ले लिए हैं, तो बेलन से हम इस तरह से फाफड़े को बेलेंगे। तो फाफड़े को इस तरह से हमने बेल लिए, देख रहे हैं बिल्कुल पतले में। तो इस तरह से देखे प्लेट में हम उठा ले रहे हैं। एक और आपको सेब दिखा रहे हैं हम। इसको देख रहे हैं कि लिए हैं। तो इस तरह से हमने हाथ से करेंगे तो इससे थोड़ी क्या रहता है कि हमारे आरी जो रहता है खरबिद्दर हो जाता है थोड़ा सा, इस तरह से हो जाता है। इसको भी हम इस तरह से चाकू के सहारे से पहले करेंगे इस तरह से, उसके बाद आराम से इसको हम उकाच लेंगे। आटे थोड़ा सा हमारा ज्यादा टाइट हो गया है तो इसको भी इस तरह से रखते जाएंगे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा भी ले लिए हैं, तो इसको भी इस तरह से करके बेलन से हम इस तरह से बेल ले रहे हैं। बेलन से रहता है आसान तरीका रहता है बेलने। अब बेलन से इसको करेंगे तो पूरा बरोबर से आपका बेला जाता है। फिर इसको चाकू से एक तरफ ऐसे कर दीजिए, ये आसान तरीके से उकस जाता है। अब बेलन से जो देखिए इसका शेप अच्छे से बन जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छे से हो रहा है, इसमें फूल भी रहा है जैसे देख रहे हैं आप लोग। तो आपके पास पापड़ खार हो तो आप डाल सकते हैं। हमारे पास पापड़ खार नहीं था कि हम इसमें डालें। पापड़ खार से बहुत काफी अच्छे बनता है हमारे फाफड़ा जो है। तो दोस्तों डालते समय नहीं दिखा पाए क्योंकि मोबाइल बंद था, हमको मालूम नहीं था चालू है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखिए हमारे कितनी अच्छे से बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से चलिए फिर दूसरा भी डाल दे रहे हैं कढ़ाई में। इस तरह से दोस्तों एक बार में तीन फाफड़े हम डाल रहे हैं इसमें। और देखिए इसका प्लेट में रख रहे हैं, बहुत काफी अच्छी बना है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। तो इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे हम पका रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बन के तैयार हो चुका है, इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। तो इसी तरह से चलिए सारे हम बनाकर फिर आप लोग से मिलते हैं। इसका कलर भी देख रहे हैं, बहुत काफी अच्छा कलर भी इसका आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सारे फाफड़े को निकाल लिए हैं। जैसे देखते हैं कि ये फूलता भी है, जैसे बेलन से आप बेलेंगे तो फूलेगा जरूर, हाथ से बेलेंगे तो नहीं फूलेगा। तो देखिए यहाँ पे बेलन से जब हम बेले हैं तो चाकू के सहारे से क्या किए हैं, पहले इस तरह से हम सारे बनाकर रख लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं कि देख रहे हैं आप लोग, इसमें हल्का सा तेल लगाकर अब बेलन से हमने इस तरह से इसको बेल लिए हैं। तो आप लोग को एक और दिखा दे रहे हैं इस तरह से। तो बेलन से बहुत जल्दी में बेला जाता है। अब चाकू के सहारे से इस तरह से बीच में आप कर दीजिए कहीं कहीं, फिर उसके बाद चाकू से इस तरह से आप करिएगा एक बार, ये पूरा उड़ जाएगा इस तरह से। ये बड़ी करिया रहता है, थोड़ा तो मुड़ता नहीं है। देखिए पतले पतले हमने बनाए, इतने सारे बन के हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह आप बनाएंगे तो आपका ढेर सारा बन जाएगा फाफड़ा। और उतरे हाथ से जैसे देखते हैं कि बनाने में थोड़ा सा ये हाथ दुखने लगता है, तो इसलिए हम हाथ से नहीं बनाए। आप लोग देख सकते हैं हाथ लाल भी हो गया है यहाँ पर हमारा, तो इसलिए हाथ से नहीं बनाए, बेलन से बनाए हैं। अगली वीडियो में जाके देखिएगा हम और फाफड़े अपने बनाए हैं वीडियो में, मेरे वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यहीं पे हम
डालेंगे मिर्ची को। तो मिर्ची को बीच में से हम फाड़ लिए हैं, मिर्ची नहीं तो पड़कने लगता है। मिर्ची जो फाफड़ा हो गया उसको हम निकाल लेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा किचन में जैसे देखते हैं गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो जैसे देखते हैं कि आप इसे जलेबी के साथ में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में, तो आप मीठी चटनी के साथ में मिर्ची के साथ में यहाँ पे देखिए हमने मिर्ची को भून रहे हैं। यहाँ पे जो फाफड़ा हो गया है इसको हम निकाल ले रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करना मत भूलें, आप लोग एक लाइक करके जाइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मिर्ची को हम इसके ऊपर से रख दे रहे हैं, बहुत काफी अच्छा लग रहा है देखने में ये हमारा। तो इस तरह से आप जरूर बनाएं और जरूर बना के आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगता है। पहले बना लेते हैं आप लोग, उसके बाद कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा बना था। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, जरा सा अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर करें आप लोग वीडियो को हमारे। तो देखिए बन के तैयार है, आप लोग इसको प्याज के साथ में भी खा सकते हैं, मीठी चटनी भी खा सकते हैं साथ में इसको आप लोग। तो जैसे आप लोग का मन करता है उस तरह से आप लोग खा सकते हैं। तो चलिए फिर नए लोग साथ मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।